खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई चाय के साथ में गर्मा गर्म चाय हो और कुछ गर्मा गर्म हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन कुछ तला हुआ कम रहे तो अच्छा है ना। देखिए नमकीन ऐसी चीज़ें जो डब्बे में भर के कभी भी निकाल के खा सकें, वैसी चीज़ें होती बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अब कैसे घर में बनाएं ताकि ये संतुष्टि रहे कि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छी तरह से बनाया गया है। और मैं मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं तो साथ साथ खाता भी रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर अभी मूँगफली तली तो मैंने सोचा कि कुछ साथ साथ खा भी लें। अबे समझ गया आप क्या है, बिल्कुल ये जो है कुरमुरे का नमकीन बनाएंगे। ये चावल से बनता है एकदम लाइट, तो इसको खाने से जो संतुष्टि है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आप ढेर सारा खा लेते हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन लगता है कि खा बहुत लिया आपने, तो इसलिए ऐसे जो नमकीन हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब लगते हैं या नहीं ये कह नहीं सकते। चलिए इसको बनाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप ले लें थोड़ा तेल, इसमें थोड़ी हींग। अब ये हींग डालने के बाद इसमें हम डालते हैं राई, मस्टर्ड सीड्स, ये लीजिए। और जब तक ये फूटने शुरू होते हैं इसमें हम डालते हैं हल्दी। बस अब ये पॉप मस्टर्ड हो गया इसके अंदर, ये हरी मिर्च और उसके साथ साथ करी पत्ते, ये जो हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इसके अंदर, तो करी पत्ते। और जो करी पत्ते हैं इन्हें आपने अच्छे से सुखाना है। जी हाँ, करी पत्ते फ्रेश करी पत्ते होते हैं ये, तो अगर आपने इसे तेल में पकाया नहीं पूरी तरह से तो इसका जो मॉइस्चर है वो इस नमकीन में रह जाएगा। तो इसलिए ये देखिए अच्छे से क्रिस्प कर लिया इन पत्तों को हमने। और अब इसमें हम डालते हैं कुछ रोस्टेड चना दाल, ये लीजिए। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लिया, और यदि आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं कुछ ड्राइड कोकोनट, ये देखिए ड्राइड कोकोनट। अच्छा, ड्राई कोकोनट डालने के बाद बस मिक्स आपने किया नहीं कि तुरंत इसके अंदर डाल दें ये कुरमुरा, वाह, और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं नमक, और अब इसके अंदर ये तले हुए पीनट्स। अच्छा ये देखिए मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, ये क्यों, ये नमकीन में एक खासियत होती है, ख़ास तौर से ऐसे जो मिक्स नमकीन होते हैं उसके अंदर कहीं काजू या पीनट हो तो खाने वाले जो हैं वो चुन चुन के पहले उसको ख़त्म करते हैं, तो इसलिए ये डालने पड़ते हैं थोड़े से ज़्यादा। ये हो गया मिक्स, अच्छे से हल्के हाथ से इसे मिक्स करें, देखिए आवाज़ भी कितनी कुरकुरी आ रही है इसकी। और अब इसे कर दें बंद, और यदि आपने इसे एकदम कुरकुरा और करारा रखना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ कि इसको पैक करके रखें एयर टाइट कंटेनर के अंदर। और बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत क्या है, थोड़ा थोड़ा बनाते रहें, फ्रेश जो टेस्ट है मज़ा आ जाता है। ज़्यादा कभी बना लें तो पड़ोसियों को दें, रिश्तेदारों को दें, वो कंप्लेन नहीं करेंगे। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। मुरमुरा चिवड़ा इसके लिए हमें चाहिए 6 कप मुरमुरे, 3 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर हींग,
एक चौथाई छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 हरी मिर्च चीरा लगी हुई, 10 से 15 करी पत्ते, आधा कप भुनी हुई चना दाल, छोटा टुकड़ा सूखा हुआ नारियल स्लाइस किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार, आधा कप मूंगफली के दाने तले हुए। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें हींग, राई, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भुने। इसके साथ इसमें भुनी हुई चना दाल, सूखा नारियल, कुरमुरे, नमक और तली मूंगफली डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं और इसे ठंडा करके इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और इसका इस्तेमाल करें। वेलकम बैक खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई आज कुछ नमकीन बना रहे हैं। नमकीन में दाल मोट या सेवियाँ या गाठिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो मोटी वाली सेवियाँ गाठिया वैसा कुछ बनाया जाए तो घर में बना सकते हैं। एक थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ मैं। ज़रा तेल गर्म करने के लिए रख दिया। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है बेसन। जी हाँ, जो चने की दाल होती है उसको पीस कर बेसन बनता है, बाज़ार में मिल जाता है। और इसके लिए जो बेसन है वो ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, मीडियम पिसा हुआ बेसन चाहिए। और इसे अब हमने स्पाइस करना है। नमक डालेंगे, उसके साथ साथ हल्दी, और तीखा बनाना है तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ी ज़्यादा, और उसके साथ साथ कुछ अजवाइन इसमें डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। ये अजवाइन डालकर सब चीज़ें मिक्स, और अब इसे आपने करना है थोड़ा और तैयार। उसके लिए गरम तेल इसके अंदर ये लीजिए, और इसमें डालना है पानी। पानी डालकर इसको सख्त एकदम हार्ड डो इसका तैयार करना है। ये मैंने और गूंद के रखा हुआ है, ये देखिए। आपने मोटा मोटा इसे करना हो तैयार, तो ये तेल गरम करके तेल मीडियम हीट पर, और इस तरह से इसे डाल दें फ्राई करने के लिए। चलिए, ये तो इस तरह से मोटा तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको बना के बताऊंगा थोड़ी पतली वाली है। और जैसे सेव बनती है उसको एक्सट्रूड किया जाता है। कमर्शली जब बनाया जाता है तो बड़े बड़े एक्सट्रूडर्स रहते हैं, लेकिन घर में ये जो चकली बनाने वाला रहता है, सेवियाँ बनाने वाला रहता है, वो चाहिए आपको। और उसमें ये जो मिक्सचर है ये डालना होता है, और अब ये इसके अंदर, और ये नीचे ढक्कन लगा दिया, और अब ये जो तेल है हमारे पास इसमें डालेंगे हम। लेकिन ये पहले जो मैंने वैसे ही बनाए थे, वैसे ऐसे ही बना सकते हैं आप, उसे निकाल लेते हैं। इसको आप जो दूसरे नमकीन आप बनाते हैं थोड़े से ये पीसेस उसके अंदर डाल दें, और ठंडे होने पे ये एकदम खस्ता हो जाएंगे, करारे हो जाएंगे। तेल गरम, और इसमें आप गरम तेल में इसी तरह से इसको आप डालते रहें, ये देखिए। चाहे तो बीच में से आप काट सकते हैं, लेकिन फ्राई करते समय आप इसी तरह से डाल लें, और बाद में आप इसे तोड़ सकते हैं। ये लीजिए, थोड़ा दम लगाना पड़ता है, और जब ये हो जाए छुरी से या हाथ से इस तरह से काट लें, और अब इसे इसी तरह से फ्राई करें आप, जब तक ये क्रिस्प करारा ना हो जाए। ये जो पहले बनाया था इसका क्या हाल है? अभी ये उतना कड़क नहीं है क्योंकि अभी गर्म है, ठंडा होने पे ये एकदम खस्ता करारा कड़क हो जाएगा। अभी भी है लेकिन और चाहिए। चलिए, ये जो है इसे फ्राई करें, और जब तक ये अच्छा लाल नहीं हो जाता इसे फ्राई करते रहें, फिर निकाल कर इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद चाहे तो हाथ से थोड़ा तोड़ सकते हैं और इसका मज़ा लें, बस गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी। वैसे ठंडे के साथ भी खा सकते हैं इसे, लेकिन इसको रखना कैसे? एयर टाइट कंटेनर के अंदर, लेकिन जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद।
तेल में से निकाल लें। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। तीखा गांठिया, इसके लिए मैं चाहिए 2 कप बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 कप तेल और तलने के लिए तेल। इसे बनाने के लिए बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक, तेल और पानी डालकर इसका सकताटा गूंद लें और इसे ढककर करीब 1/2 घंटे तक रख दें और या तो गांठिया बनाएं या सेव और इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें और इसे किसी किचन टॉवल पर निकालें और इसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भरें और इस्तेमाल करें। वेलकम बैक खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। आज के इस नमकीन स्पेशल में एक और नमकीन डिश, और ये जो है ऑल टाइम फेवरेट चकली है, भाजनी से बनी हुई, अलग है जी हाँ। इसमें गेहूं भी है, चावल भी है, उड़द भी है, चना भी है, ज्वार, बाजरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसे बनाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक फ्लार बनाना पड़ता है जी हाँ, बाजार में मिल जाता है भाजनी। ये जो है इसे थाली पीठ मैंने दिखाया हुआ है, बहुत बढ़िया बनता है। अब ये अगर फ्लार ना मिले तो किस तरह से बनाया जाए, देखिए इसे पीसना पड़ेगा। अगर आपके पास में चक्की वगैरह है तो पीस सकते हैं। पीसना क्या क्या है देखिए, इसमें चाहिए आपको गेहूं, गेहूं को रोस्ट करना है, चावल को रोस्ट करना है, बाजरा, ज्वार, काला चना, उड़द, उसके साथ साथ धनिया, ये सब चीज़ों को भून के अच्छी तरह से फिर पीस लेना है और भाजनी का जो आटा है वो तैयार। इसमें नमक, मिर्च, कुछ लोग थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं। चलिए ये जब तैयार हो जाए तब इसे गूंदना है हमने, लेकिन गूंदने से पहले एक चीज़ और वो है इसमें नमक और इसके साथ साथ थोड़ा अजवाइन, तिल और उसके साथ साथ इसे हम थोड़ा तीखा बनाएंगे लहसुन के साथ में। ये चटनी जो मिलती है लहसुन की सूखी वाली, वो इसके अंदर डालें। सब चीज़ों को मिक्स कर लें और अब इसे गूंदना कैसे है, देखिए गूंदने के लिए पानी ले लें एक पतीले के अंदर, बर्तन के अंदर, और फिर आप इसमें डालें थोड़ा तेल। ये देखिए तेल इसके अंदर, पानी उबल चुका है, अब इसमें ये जो है इसे हम डालते हैं और ये छन्नी में डालकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और साथ साथ इसे मिक्स करते रहें। गैस बंद कर दी जी हाँ, गैस की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर बस गर्म पानी के अंदर ये डालना है हमें और साथ साथ मिक्स करते रहें, और आप चाहें तो थोड़ा तेल और डाल सकते हैं, लेकिन मर्ज़ी आपकी है। ये हो गया और अब इस पे ढक्कन लगाकर आप रख दें जी हाँ। पानी जब उबल जाए गैस बंद कर दें और फिर इसके अंदर डालें, मिक्स करें और इसको रहने दें 10 मिनट तक, और उसके बाद तब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको गूंद लें। और गूंदने के बाद ये देखिए ये तैयार किया हुआ है, ये देखिए, और अब इसको डालें इसके अंदर और इसके बाद ये ऊपर से बंद, ये, और अब ये जो मिक्सचर है भाजनी की, जो चकली हम बना रहे हैं, उसको बस हम ले लेना है। और आप इस तरह से कोई बटर पेपर ले लें या प्लास्टिक की शीट ले लें और उसके बाद ये देखिए इसमें से ये निकालते हुए इसे आपने बस ये इस तरह से, और ये जब आप करें ये देखिए बस ये देखिए, और जब आपको लगे कि साइज हो गया तो हाथ से इस तरह से ये देखिए,
और अब गरम तेल में आपने लेना है और ये देखिए बस, और ज्यादा देर तक ना तलें इसे। जब ये क्रिस्प करारी हो जाए, रंग आपको लगे कि बस बढ़िया है, तो इसे निकालें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में ये क्रिस्प हो जाएगी और फिर मज़ा लें इसका। सेहत अच्छी है इसकी। नहीं नहीं, तेल ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स की हैं, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है, चना है, तो हेल्दी है लेकिन फैट। खैर आज तो नहीं, फिर कोशिश करूँगा कभी इसमें से तेल कम करने की। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। गार्लिक चकली, इसके लिए हमें चाहिए 2 कप भाजनी का आटा, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 2 छोटे चम्मच तिल, 2 छोटे चम्मच सूखी लहसुन की चटनी और 2 छोटे चम्मच तेल और तलने के लिए तेल। इसे बनाने के लिए भाजनी के आटे में नमक, अजवाइन, तिल और सूखी लहसुन की चटनी डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैन में 1.5 कप पानी में 2 छोटे चम्मच तेल डालकर उबाल लें। अब इस पानी में भाजनी का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे मिला लें। जब ये मिक्सचर पककर काफ़ी गाढ़ा हो जाए तब इसकी आंच बंद करके इसे करीब 10 मिनट तक रखें और एक बार फिर इसे गूंद कर चकली मोल्ड में भरें और इसे दबाकर किसी ग्रीस प्रूफ पेपर पर चकली बनाएं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें चकली को सुनहरा होने तक तलें और किसी किचन टॉवल पर निकाल कर इसे रखें एयर टाइट कंटेनर के अंदर। हमारे देश में नमकीन का स्वाद और रूप दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। जी हाँ, चीज, सेब और वेजिटेबल, पिज्जा, चिप्स जैसी नमकीन बाजार में मिलने लगी है और हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से नमकीन की मांग बढ़ जाती है। और जिस तरह लोग दुकान पर नमकीन खाते नहीं थकते, उसी तरह हलवाई की कढ़ाई में डले गरम तेल की गर्मी नई आवाज के साथ कुछ नया स्वाद क्रिएट करती है। चीज दिखने में सिंपल होती है लेकिन साधारण सी दिखने वाली पापड़ी में भी काफी स्किल लेती है। जी हाँ, स्किल की जरूरत तो होती है लेकिन स्वाद का क्या कहें, स्वाद तो ग्राहक ही चख के बताएंगे। और अब बारी है आज की टिप की। भाई, गांठिया चटनी कैसे बनाई जाए? इसे बनाने के लिए 1 मिक्सर में 1 कप गांठिया, नमक, 2 बड़े चम्मच धनिया के पत्ते, 1/2 बड़ा चम्मच चीनी, 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 6 कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 4 बड़े चम्मच पानी डालकर इसे पीस लें और फिर इसे किसी भी फरसान के साथ सर्व करें। आज बस इतना ही। नमस्कार।